निकिता हत्याकांड मामले में आज शुक्रवार को दोनों पक्षों के वकीलों की तरफ से अदालत में बहस की गई। निकिता केस में वकीलों ने कहा कि यह ईगो में किया गया मर्डर है। इस केस में फैसला ऐसा होना चाहिए जो जनता के बीच नजीर पेश कर सके। यहां आपको बता दें कि अदालत में जज ने पीड़ित पक्ष की ओर से आए वकील के बयानों को खुद नोट किया। उसके बाद आरोपी पक्ष के वकील की तरफ से दोनों आरोपियों को कम से कम सजा देने की मांग उठाई गई। आरोपी पक्ष की तरफ से वकील ने पिछले कई ऐसे केस के फैसले का भी हवाला इस दौरान दिया जिसे जज ने पूरे ध्यान से सुना। आरोपी पक्ष की ओर से वकील ने अदालत से कहा कि दोनों युवक का चाल चलन ठीक है, जेल में भी कोई शिकायत नहीं है, आरोपियों ने पुलिस को पूरा सपोर्ट किया है, इसीलिए उन्हें कम सजा दी जाए। आरोपी पक्ष के वकील ने कोरोना को देखते हुए भी कम सजा देने की बात अदालत में रखी है। बहस पूरी होने के बाद जज सरताज बांसवाना ने सजा सुनाने का 3:30 बजे का वक्त तय कर दिया है। बताते चले कि 26 अक्टूबर 2020 को दिन दिहाड़े कार सवार दो बदमाशों ने मेक प्लांट रोड पर अग्रवाल कॉलेज से परीक्षा देकर घर लौट रही बीकॉम फाइनल ईयर की छात्रा निकिता तोमर की गोली मारकर हत्या कर दी थी। लहूलुहान हालत में उसे पास के निजी अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हत्या के बाद वे भागने में सफल रहे। यह वारदात घटनास्थल के पास लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वायरल वीडियो में हत्या से पहले दो लड़के निकिता को जबरन कार में खींचने की कोशिश करते दिख रहे थे, लेकिन जब वे कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने उसे गोली मार दी थी। अदालत ने 24 मार्च को फरीदाबाद में चर्चित निकिता हत्याकांड मामले में दो आरोपियों को हत्या का दोषी करार दिया, जबकि एक आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। आपको बता दें कि फरीदाबाद में चर्चित निकिता हत्याकांड के तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया था, जहां पर अदालत ने फैसला सुनाते हुए मुख्य आरोपी तौसीफ और उसके सहयोगी रेहान को दोषी करार कर दिया था। वहीं हथियार मुहैया करवाने वाले तीसरे आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया था। अब सवाल ये आते हैं कि देखने वाली बात होगी कि अब 3:30 बजे क्या फैसला सुनाया जाएगा। ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक कर।